फ्रेंड्स गुड इवनिंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में सामने देख सकते हैं डीजल इंजन खड़ा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 22 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर से मैलानी के बीच में इस लोको द्वारा स्पीड ट्रायल किया जाएगा। ये इंजन कल लखनऊ से चलकर लखीमपुर तक आने वाली पैसेंजर ट्रेन से आ गया था, यानी कि 55066 से, और तब से ये इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही खड़ा हुआ है इंजन ट्रायल के लिए। और पहले ये सुना जा रहा था कि इंजन ट्रायल गोमती नगर एक्सप्रेस के इंजन से होगा, लेकिन इस ट्रायल के लिए अलग से इंजन मंगाया गया है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आप देख सकते हैं सामने खड़ा हुआ है गोंडा लोको शेड का। लखीमपुर से मैलानी के बीच में कल इंजन ट्रायल किया जाएगा, और जिसकी अवधि लगभग 6 घंटे के करीब की होगी। और मेरे ख्याल से इस अवधि में, इस 6 घंटे के दौरान, लगभग इंजन कम से कम 2 बार लखीमपुर से मैलानी का चक्कर जरूर लगाएगा। मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि जब सीतापुर से लखीमपुर के बीच में स्पीड ट्रायल हुआ था लोको के द्वारा, तो उस समय भी लखीमपुर से सीतापुर के मध्य में जो डीजल इंजन है उसने कम से कम 2 से 3 राउंड मारे थे, और साथ में एक रात में भी राउंड मारा था। कल जब लोको द्वारा स्पीड ट्रायल किया जाएगा तो लखीमपुर से मैलानी के बीच में पड़ने वाले स्टेशन, साथ में क्रॉसिंग्स, सिग्नल्स, ऑपरेटिंग पॉइंट, इन सभी चीज़ों की जांच होगी। और जो सबसे मेन चीज़ होगी वो ट्रैक पर रहेगा फोकस, कि ट्रैक में तो कोई खामी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बांकेगंज के आगे तक मालगाड़ी कई बार जा चुकी है, और इतना हैवी लोड होता है मालगाड़ी का भी बैलास्ट लिए हुए कि वो ट्रैक पूरी तरह से दबा हुआ मजबूत है। लेकिन मैलानी तक जो मालगाड़ी गई वो 1 से 2 ही बार गई है। अगर ट्रैक में कोई कमी नहीं मिलती है लखीमपुर से मैलानी के बीच में, तो 25 तारीख को लखीमपुर से गोला और 26 तारीख को गोला से मैलानी के बीच में CRS ट्रायल हो जाएगा। लोको ट्रायल का जो समय कल रहेगा वो 10 से 11 बजे के करीब में रहेगा। पहले ये सुना जा रहा था कि गोमती नगर एक्सप्रेस से जो अधिकारी हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद लोको ट्रायल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल की अपडेट भी मैं आपको दूंगा पूरा। ये था इंजन का छोटा सा व्यू लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्यू पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।